आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7 कौन से क्लास की? 8 क्लास की। और आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस। आज की हमारी डेट है 16 अक्टूबर 2020। आइए शुरू करते हैं। यस्टरडे पिंकी वेंट टू अ पार्टी अलॉन्ग विद हर ब्रदर। दे एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स लाइक केक, पेस्ट्रीज, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा। जानता हूँ मैं आप सबको भी ये बहुत पसंद होगा। आफ्टर रिटर्निंग होम हर ब्रदर कंप्लेंड ऑफ सीवियर स्टमक पेन्स, वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। यस्टरडे मतलब होता है जो कल निकल चुका है। पिंकी एक पार्टी में गई थी अपने भाई के साथ। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे स्नैक्स खाए जैसे कि केक, पेस्ट्री, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर और बहुत सारी चीज़ें। आफ्टर रिटर्निंग होम जब वो घर वापस आए तो उसके भाई ने कंप्लेन की सीवियर स्टमक पेन की और वॉमिटिंग और लूज मोशंस की। सीवियर स्टमक पेन मतलब पेट में दर्द, वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ और लूज मोशन मतलब दस्त। हर फादर टुक हर ब्रदर टू हॉस्पिटल वेयर द डॉक्टर टोल्ड देम दैट इट इज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। उसके पापा फिर उसके भाई को, पिंकी के पापा पिंकी के भाई को हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। पिंकी सेड फूड गिव्स अस एनर्जी देन हाउ कैन इट बी पॉइजनस। टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। पिंकी ने कहा जब फूड हमें, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि फूड हमें एनर्जी देता है, तो वही बात पिंकी ने कहा कि जब हमें फूड एनर्जी देता है तो ये हमारे लिए पॉइजनस कैसे हो सकता है। तो आज हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग इज कॉज व्हेन वी ईट स्टेल फूड व्हिच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग हमें तब होती है जब हम रखा हुआ खाना या बासी खाना या फिर जंक फूड जिसे बोलते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब का जंक फूड होता है। तो ये जो रखा हुआ, ये पहले से रखा बना हुआ होता है, इसका जो बेस, जैसे पिज्ज़ा का जो बेस होता है पहले से बना होता है, बर्गर का जो बंद होते हैं, जो बंद होता है वो पहले से बना होता है। तो ये नूडल्स होता है, नूडल्स की जो पहले से बनी होती हैं, नूडल्स जो होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो चीज़ पहले से बनी होती हैं, इनके अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इसमें पैदा हो जाते हैं, उसके बाद ये खाने को टॉक्सिक सब्सटेंस से, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस उसमें एड ऑन कर देते हैं, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट ग्रो ऑन अवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। वही मैंने भी आपको बताया, कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने पे आ जाते हैं वो हमारे खाने में पॉइजनस सब्सटेंसेस, मतलब टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं। इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ। इससे हमारे को सीरियस बीमारी भी हो सकती है और डेथ। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ई कोली एंड सेल्मोनिला आर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट कॉज फूड पॉइजनिंग। ई कोली और सेल्मोनिला ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो फॉलोइंग सिम्टम्स। जिसको फूड पॉइजनिंग हो रही होगी उसके अंदर ये सब सिम्टम्स होंगे। वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, पेन इन स्टमक मतलब पेट में दर्द होना, और लूज मोशन मतलब दस्त होना, लॉस ऑफ हंगर भूख ना लगना, एंड हाई फीवर तेज बुखार होना। अब हमें इसके प्रिवेंशन बताया गया है, वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। हमें फूड पॉइजनिंग नहीं, अगर मतलब अगर हमें फूड पॉइजनिंग से बचना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड। हमें साफ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज। फल और जो सब्जियां होती हैं वो उनको यूज़ करने से पहले, उनको खाने से पहले हमेशा हमें धोना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली। जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स का मतलब होता है जब जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनको, और जो मीट वगैरह जो लोग खाते हैं वो मीट जो होता है उसको ठीक से पका के खाना चाहिए। ठीक से पका के खाने के क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है जिससे कि अगर उसके अंदर कोई जर्म्स हो तो वो मर जाएं।
ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, इफ द फूड इज लेफ्ट ट्राई टू कीप इट इमिजिएटली इन द रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम फ्रेश फूड खाएं। अगर कोई खाना कभी होता है कि खाना ज़्यादा बन गया बच गया, तो जितनी जल्दी हो सके उसको रेफ्रिजरेटर, जो बचा हुआ खाना उसको रेफ्रिजरेटर में रख के, फ्रिज में रख के, और उसको फिर आगे यूज़ कर सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो हम इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं या जो हम आपके लिए वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए, जो हमारी बनाई हुई मेहनत है, जो वो आपके लिए यूजफुल रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड व्हिच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग किस चीज़ से होती है, जो हम रखा हुआ खाना खाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्पॉइल कर दिया होता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फूड पॉइजनिंग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फूड पॉइजनिंग करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अवर फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खाने में पैदा हो जाते हैं, खाने में आ जाते हैं, और उसके बाद उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस उसके अंदर पैदा कर देते हैं, जो हमारे को फूड पॉइजनिंग जिससे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? ईकोली एंड सेल्मोनेला। क्या नाम है इनका? दोबारा रिपीट करते हैं एक बार हम, ईकोली एंड सेल्मोनेला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, राइट फोर हैबिट्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। अभी मैंने आपको बहुत सारी हैबिट्स बताई थी, हमें उनमें से चार लिखनी है कोई, तो हमने चार हैबिट्स लिख दी हैं, आप इनको पढ़िए। फोर हैबिट्स क्या क्या हैं? Always eat clean and covered food. Always wash hands before and after consuming meals. Fruits and vegetables must be washed before use. Raw vegetables and meat must be cooked properly. Question number 5. Write 4 symptoms of food poisoning. चार symptoms लिखने हैं हमें food poisoning के. Food poisoning के चार symptoms क्या क्या होते हैं? Vomiting, stomach pain, loose motions, loss of hunger. इसके आगे high fever भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, इनमें से कोई हटा के, जो भी आपको आसान हो आप वो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन कर सकता है, हम उनके डाउट को जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सॉल्व कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी वीडियो के नीचे देखेंगे आपके पास एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, रेड कलर का बटन आ रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद आपका वो रेड कलर का बटन जो है वो ग्रे कलर में शिफ्ट चेंज हो जाएगा, उसका मतलब आपने वीडियो को, हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।